पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद इकाई ने मंगलवार को तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भारती ने बताया कि पांच सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि विभागीय सेवा नियमावली बनाए जाने, सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति किए जाने, विभाग में कार्यरत सफाई कर्मियों का पदनाम पंचायत सेवक किए जाने, पैरोल व्यवस्था समाप्त किए जाने तथा पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भारती ने कहा, एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी हो, चाहे मजबूरी हो, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे मजबूरी हो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। पांच सूत्री मांगों को लेकर के मोटरसाइकिल रैली निकाल करके आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पंचायती राज मंत्री को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग देंगे। जिलाधिकारी महोदय आज संभवतः यहां पे उपस्थित नहीं है, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार जी हम लोग का ज्ञापन लेने आए हैं। सदर जी जो हमारा मांगे है मान्यवर, ये जो आपकी मांगे हैं उचित माध्यम से धन्यवाद। मेरा नाम सर रमेश कुमार भारती है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चंपा देवी पार्क में इकट्ठा होकर के मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से हम पांच सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री को एक संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज हम लोगों ने दिया है, जिसमें हमारी पांच सूत्री मांगे हैं कि हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, दूसरी मांगे हैं हमारा जी सफाई कर्मचारी को पेंशन दिया जाए, तीसरी मांग है हमारी सफाई कर्मचारी साथियों को पदोन्नति किया जाए और चौथी मांग है कि हमारी प्रधान से पेरोल व्यवस्था खत्म कराई जाए, प्रधान के नियंत्रण से मुक्त कराया जाए, पांचवी मांग है हमारी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी साथियों का किट का पैसा प्रधान जी के लोग खाते में जाता है, उस पैसे को हमारे सभी सफाई कर्मचारी साथियों के खाते में पैसा को दिया जाए। और माननीय हम प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करेंगे या हम विश्वास करेंगे उनसे कि वो हमारी मांगों को ध्यान देंगे, हमारी मांगों का यथा शीघ्र जो है निस्तारण करने का कार्य करेंगे। और हमारी जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज के जो हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं उनकी पांच सूत्री मांगों पे ध्यान दे करके जो हमारा अथाशीत्र है जो हमारी मांग का निराकरण कराया जाए। अगर ये 20 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा भवन 23 तारीख को घेरने का कार्य करेंगे। साथी क्या आश्वासन मिला अभी हम DM साहब की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि सदर माननीय नायब तहसीलदार जी आए हुए थे, उनको हमने ज्ञापन सौंपा, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो उचित फोरम है वहाँ पे हम आपकी ज्ञापन पहुँचा देंगे।